नमस्कार दोस्तों, किसी भी व्हीकल को चलाना कैसे सीखे, जैसे आपको बाइक चलाना सीखना है तो उसके लिए आप कौन कौन से टिप्स अपनाएं, उसके द्वारा आप बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लिए आसानी से एक सुपर एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप है दोस्तों, कोई भी कार्य यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को करते हुए देखते हैं, यानी हम किसी दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं और उसे फिर हम खुद करते हैं, तो वो हमारे लिए करना आसान हो जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो बिल्कुल सिंपल है। आप जब भी अपने किसी दोस्त के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या करो, बाइक को ध्यान से नोट करो कि कौन कौन से वे ऑपरेशन करते हैं, जैसे क्लच दबाना, ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर कम ज़्यादा करना, गोलाई में किस प्रकार से मोड़ते हैं, सिग्नल पर किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आप एक बार उनको करते हुए देखो तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा। जो हमारे मन में एक भय होता है कि बाइक कैसे चलाएं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, बाइक को धीरे धीरे रवाना करना शुरू करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने हैंडल का कंट्रोल सीधा रखना शुरू कर देना है, उसके बाद कुछ दिन के लिए एक नंबर में चलाना है, उसके बाद दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप है जो आपको आगे बढ़ना है। भले ही आपको 10 या 15 दिन लग जाए, लेकिन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो दोस्तों आपको नुकसान नहीं होगा, जैसे बाइक गिरने का नहीं डर होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो आप ड्राइवर बनेंगे वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर बनेंगे, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक ड्राइवर बनेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेप जो करना है स्टार्टिंग के डे में, वो मैं बात करूँगा, और उसके अलावा हमारे अन्य खूब सारे वीडियो आए हुए हैं जिनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उन्हें जाकर देख लें। यहाँ पे दोस्तों बाइक में रखी कि स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो इसको मैं, और ये आपका हैरो स्प्लेंडर प्लस है, तो इसके गियर कितने लगते हैं ये इसके स्टिकर पर दे रखे होते हैं, ठीक है यहाँ, और मैं आपको बता देता हूँ इसके चार गियर पीछे की ओर लगेंगे, ठीक है, यानी ऐसे पीछे हम दबाएंगे तो आपका एक गियर लगेगा, ऐसे आपके कितने गियर, चार लगेंगे। तो देखो पहले क्लच दबाना है, गियर लगाने से पहले क्या करना है, क्लच दबा दिया और पीछे हमने गियर को दबाया तो आपका एक नंबर लग गया। अब देखिए रवाना करना महत्वपूर्ण है, जो मैं रवाना करने का तरीका बताऊंगा वो दोस्तों आप कभी भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे बस आप क्लच को देखिए, देखिए एक्सीलेटर मैं नहीं दे रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्लच को मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। तो देखिए एक पॉइंट के बाद बाइक आपका अपने आप रवाना शुरू हो जाएगा, तो उस समय यदि मैं क्लच को अचानक छोड़ दूंगा तो देखो बाइक बंद हो जाएगा। अब उस समय मुझे क्या करना है वो ध्यान से समझिए, देखिए अब देखो मुझे क्या करना है, थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा देना है और उसके बाद देखिए थोड़ा क्लच और छोड़ना है, तो बाइक आपका अपने आप चलना शुरू हो गया है। देखो बाइक ने पूरा मौसम पकड़ लिया है, तो क्लच पूरा छोड़ देना है। ओके, क्लच पे यहाँ पे फोकस करो, जैसे ही बाइक ने पूरा मौसम पकड़ा है तो क्लच छोड़ देना है। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ये पूरा सीन आना चाहिए। ओके, देखो छोड़ रहा हूँ क्लच, अभी एक्सीलेटर नहीं दे रखा है, तो इस पॉइंट में देखिए आपका बाइक का इंजन अपने आप दबना शुरू हो जाएगा, ऐसे आपको फील हो जाएगा, उस समय एक्सीलेटर को थोड़ा बढ़ा दो और फिर उतना ही फिक्स कर करके और क्लच को थोड़ा आगे और छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जैसे बाइक पूरा मौसम पकड़ लिया तो क्लच को पूरा छोड़ दो, देखिए मैं आराम से रवाना कर सकता हूँ इस तरीके से। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बंद हो जाएगी, या जैसे अचानक आप क्या करें ऐसे उछाल मारेगी और आप किसी के अंदर गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। ये तो दोस्तों हो गया रवाना करने का तरीका। अब दोस्तों गियर चेंज करना इत्यादि के जो वीडियो बनाए हैं उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख लें। इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।